आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। आज कवर्धा के ईदगाह में सभी मुसलमान भाइयों ने नमाज पढ़कर एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वह ईद क्यों मनाई जाती है ये भी बताया। सभी से बात कर न्यूज प्लस 21 की टीम ने ईद के बारे में जानकारी ली और सभी मुसलमान भाइयों को ईद की बधाई दी। ईद के बारे में पूछने पर बताया कि ईद मुसलमान समुदाय का सबसे पवित्र त्यौहार है। ईद से पहले 30 दिनों तक रमजान का पवित्र महीना होता है, जिसमें सभी मुस्लिम उपवास यानी रोजा रखते हैं। रमजान में जकात अदा करने की परंपरा है, जो केवल गरीबों, बेवाओं या यतीमों को दी जाती है। रमजान के इन 30 दिनों तक इफ्तार पार्टी का आयोजन भी किया जाता है, जो देश की गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण है। ईद का जश्न साल का वह समय होता है जब मुस्लिम समुदाय इसे अपने परिवार, दोस्तों और मोहल्ले वालों के साथ धूमधाम से मनाते हैं। लोग सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। महिलाएं घर पर नमाज अदा करती हैं और विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं, जबकि पुरुष नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाते हैं। इस दौरान ईद की नमाज अदा करने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलकर उन्हें ईद की बधाई देते हैं। वे एक दूसरे से ईद मुबारक कहकर उनका अभिनंदन करते हैं और 3 बार गले मिलते हैं। फिर लोग अभिवादन करने के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के घर जाते हैं। इस दिन हर घर में मेहमानों को सेवई परोसी जाती है। एक और दिलचस्प हिस्सा जो युवाओं को पसंद है वह है ईदी। ईदी एक उपहार है जिसे वे धन के रूप में बड़ों से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार बच्चे ईदी प्राप्त करने का आनंद लेते हैं और फिर उस पैसे से अपनी पसंदीदा चीजें खरीदते हैं। रमजान के पवित्र महीने के समापन के साथ ईद खुशियाँ लाता है। ईद के दिन को मुस्लिम समुदाय के लोग खूब धूमधाम से मनाते हैं। यह उन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है जो पूरे महीने रमजान में रोजा रखते हैं। देखिए कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा के साथ मेघा यादव की ये रिपोर्ट। सर, सबसे पहले तो न्यूज प्लस 21 टीम की ओर से आपको ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हमारे पूरी मुस्लिम जमात की तरफ से भी न्यूज 21 को प्लस को भी ईद मुबारकबाद। थैंक यू सर। सर, ईद क्यों मनाया जाता है थोड़ा बताएंगे क्या? जी, ईद का मतलब होता है खुशी और रमजान के जब हम 30 रोजे रहते हैं तो ये हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि अल्लाह ताला इस दिन रोजा रखने का इनाम देता है। तो उस 30 दिन के इनाम में हम लोगों को बहुत बड़ा पुरस्कार और इनाम अल्लाह ताला देता है। वो ये है कि हम कोई भी नेकी करते हैं तो उसका बदला कोई ना कोई चीज़ देता है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर कोई रोजा रखता है तो उसका बदला मैं खुद हूँ। इसलिए हम रोजे रखते हैं और ये हमारे ईद की दिन बेहद खुशी का दिन रहता है। आज हमें इनाम पाने का दिन रहता है और ये हम आज इनाम पा रहे हैं, इसलिए आप इतना हंसी खुशी देख रहे हैं। और इस्लाम एक अमन और शांति पैगाम का के लिए ईद बनाता है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, थैंक यू। मैं आखिर में यही कहूँगा, एक पैगाम पूरे आलम इस्लाम के लिए कि हमारा इस्लाम और मुसलमानों का दिल बहुत बड़ा होता है, वसी होता है, विस्तारित होता है। तो हम एक पैगाम देंगे कि मोहब्बत धर्म बन जाए, वफा ईमान बन जाए, मोहब्बत धर्म बन जाए, वफा ईमान बन जाए, और ये दिल को इतना फैलाओ कि हिंदुस्तान बन जाए। थैंक यू सर। शुक्रिया। और आपकी पूरी टीम को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, मुबारकबाद। और पूरे आलम जितने भी भारत के लोग हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के हैं, कवर्धा के हैं, हम सभी को मुबारकबाद पेश करते हैं। और सबके लिए आज खुशन आज दुआ हुई है शहर में, हिंदुस्तान के लोगों के लिए अमन, चैन, शांति, सुकून के लिए, ज़िंदगी बसर करने के लिए, एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आने के लिए खूब खूब दुआ हुई है। और रमजान पाक जो होता है ये पूरे 30 दिनों का रोज़ा रखने के बाद 16-16, 17-17 घंटे का रोज़ा रहते हैं, जिससे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक रहते हैं। आज ये अल्लाह पाक की तरफ से इनाम का दिन रहता है, जब उसके लिए कोई मेहनत करता है तो ठीक उसी प्रकार से अल्लाह पाक की ये 30 दिनों की जो मेहनत रहती है, जो इबादत के तौर पर किए रहते हैं, उनको राज़ी करने के लिए, गुनाहों से जो बचे रहते हैं, लोगों के साथ भलाई करते हैं, अपने माल को गरीबों पर खर्च करते हैं, वो चीज़ों के लिए आज ये समझिए आज इनाम का दिन है। तो ईद को इनाम के दिन के तौर पर देखा जाता है। इस कारण लोग एक दूसरे से गले मिल के बधाई देते हैं, एक दूसरे के लिए माफ़ी मांगते हैं अपने गुनाहों के लिए, अल्लाह पाक से खूब गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अमन चैन की बात होती है। ये भाईचारा का हमेशा से त्यौहार रहा है। इसमें सभी धर्म के लोग, ये जिस तरह से दिवाली मनती है, होली मनती है, उसी तरह से ईद में भी भाईचारे के साथ में खूब खूब एक दूसरे से मुलाकात होती है। लोग एक दूसरे के घर आते हैं, जाते हैं, मीठी सेवई खाते हैं, लोग मुबारकबाद पेश करते हैं, गले मिल के पुराने जो दोस्त जो भी दिलों में
में जो रहती हैं, खटास रहती, दुश्मनी सब भूल के खुले दिल से गले मिल के एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं, लोग सेवई खाते हैं। ये वो दिन है और ये बहुत अच्छी बात है कि भारत में ये जो परंपरा है अभी तक कायम है और आगे भी कायम रहेगा। ये जो भाईचारा है आज के लिए बहुत ही मजबूत देने वाली स्थिति है। हम भारत को जितना मजबूत कर सकें, जितना भाईचारा बढ़ाएंगे, उतना ही भारत हमारा मजबूत होगा, एक भारत स्वस्थ भारत अखंड भारत के लिए। थैंक यू, ईद मुबारक। थैंक यू आप लोगों को भी, हमारे मुस्लिम जमात कवर्धा के तरफ से आपकी टीम को भी ईद मुबारक। जी, ईद के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। ईद जो है मुसलमानों के लिए इनाम का दिन होता है, तोहफे का दिन होता है, गिफ्ट का दिन होता है, जो कि हमें हमारे खुदा के तरफ से दिया जाता है। जो हम 30 दिन रोजे रखते हैं, भूखे प्यासे रहकर अपने खुदा की इबादत करते हैं, तो 30वां दिन हमें अल्लाह जो है ईद से नवाजता है। जिस दिन हमें इनाम मिलता है, खुदा हमें इनविजिबल तरीके से हमारी विशेष को पूरी करके हमें इनाम देता है। हमारी जो विशेष है, हम जो 30 दिन उनके इबादत करके, रोजे रख के, भूखे प्यासे रह करके जो इबादत करते हैं, तो हमारी दुआओं को कबूल करके वो हमें एक तरह से इनाम देता है हमारा रब। तो जिसकी खुशी में हम जो है सब लोग एक साथ मिल करके, पूरे कौम के लोग शहर से बाहर किसी एक जगह में नमाज पढ़ते, जिसे ईदगाह कहते हैं। ईदगाह मतलब ईद के दिन मिलने वाली जगह को गाह, गाह मतलब जगह, ईद के दिन मिलने वाली जगह गाह, तो ईदगाह। तो यहाँ पर हमारे समाज के सभी लोग एकत्रित हुए हैं, जिसमें आसपास देहात के लोग भी आए हुए हैं, लोकल शहर के लोग भी हैं। और जो है यहाँ पर ईद की नमाज जो है 2 पाली में पढ़ाई गई है, क्योंकि जगह के हिसाब से ज़्यादा हो जाते हैं लोग, तो 2 बार में पढ़ाई जा रही है। इससे पहले जामा मस्जिद के पेश इमाम ने पढ़ाया, अभी बीच पारा के पेश इमाम साहब जो है नमाज पढ़ा रहे हैं। इसमें नमाज के बाद में लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, बधाइयाँ देते हैं, और आपस में किसी तरह का कोई अगर कहीं किसी के मन में किसी के लिए बैर है, उन सब को भूल करके गले मिल करके एक दूसरे को दुआ देते हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहते हैं। धन्यवाद, ईद मुबारक सबसे पहले आपको। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक, और सभी प्रदेशवासी और देशवासियों को भी हमारे तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबादी। जी सर, हर साल ईद का त्यौहार मनाया जाता है, इसमें बच्चे बड़े बुजुर्ग बहुत ही खुश दिखाई देते हैं, तो इस विषय पर हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ये जो ईद का जो त्यौहार है, पूरा यानी एक माह का जो रोज़ा रखते हैं उसको बतौर इनाम खुदा की जानिब से हमको मिलता है। इस दिन सभी रोज़दार और ख़ास करके जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें बहुत खुशी का माहौल होता है, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। धन्यवाद, आपको ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक जी। ईद के मौके पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ईद का दिन ऐसा है कि बहुत ही खुशी का दिन है। आज के दिन दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, सब लोग एक जगह मिलते हैं और मिल के खुशी बांटते हैं और दुआ करते हैं एक दूसरे के लिए। बहुत अच्छा दिन है ईद का दिन। धन्यवाद। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर, आपके हक की बात।